हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के बावन शारदा नहर और सराय के मध्य पटरी पर एक 32 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। शारदा नहर पटरी के किनारे पड़े युवक के शव को लोगों ने देखा तो युवक की गला कसकर हत्या की गई थी और उसके सर पर चोट के निशान थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक को फोन करके बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की भी चर्चाएं हैं। युवक के जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान शिवनंदन सिंह मदारा बघराई थाना सांडी के रूप में हुई है। हत्या के मामले की सूचना प्रभारी निरीक्षक ने पहचान होने के बाद परिजनों को दी। सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया और वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवक हरदोई में ही रहता था और एक निजी स्कूल में बस पर कंडक्टर था। मृतक का भाई ब्रिजनंदन बस ड्राइवर है और उसी के साथ हरिनाम सिंह कोठी में कमरा लेकर निवास करता था। बताया जाता है कि मृतक के फोन पर देर रात करीब शाम 8 बजे फोन आया। वो बाहर गया और उसके 10 मिनट बाद वापस आ गया। दूसरी बार करीब 8:15 पर फोन आने के बाद शिवनंदन दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर कमरे से चला गया। उसके बाद से उसका पता नहीं चला। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। एएसपी त्रिगुण विशेष सीओ राकेश वशिष्ठ भी मौके पर पहुंचे। एएसपी का कहना है कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। सूचना ये हमारे गांव में प्रधान के द्वारा में सूचना दी गई कि आपके गांव का लड़का जो है वो इस समय बावन नहर पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई। हम लोग लड़का तो था ही यहाँ पे, तो नाम पूछने लगे तो उसका नाम बताया गया, शिवनंदन जगनंदन जो भी पूछ रहे थे। तो हमने हाँ आधार कार्ड तो अपना लेकर गया है, वो आधार कार्ड लेकर आया। फिर हम लोगों को जानकारी मिली, जानकारी करते हम लोग नहर पे पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले मामला ये था कि वो उसके पास फोन आया था शाम को 8:30 बजे के आसपास। उसका फोन आया, वो मेजबान ढाबा पे गया। उसके बाद वो 10 मिनट बाद वापस आ गया। आने के बाद वो फिर गया है, उसके बाद 10 बजे बाद उसके बाद फोन आया फिर लड़के का दोबारा। तो मेजबान ढाबा 10 बजे गया है तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। ये मैटर हुआ है। आपको कहाँ मिला? हमको ये जानकारी मिलने के बाद बावन नहर पे मिला। इसमें थाना लोनार क्षेत्र में जो नहर बहती है इसके किनारे एक व्यक्ति की सुबह जो है डेड बॉडी मिली थी, जिसका कि जो है जो उसके जेब में आइडेंटिफिकेशन कार्ड था तो उसके हिसाब से उसको जो है पहचाना गया कि शिवनंदन सिंह है। थाना सांडी का मूलतः रहने वाला था और यही शहर हरदोई में ही रह रहा था। इसकी जो चोटें हैं वो जो है गले पर है, गला दबा के इसकी हत्या करी गई है और इसके सिर पे भी एक चोट है। इसके बारे में तहकीकात की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मोबाइल कॉल डिटेल वगैरह से कैसे? देखिए मोबाइल का भी कॉल डिटेल के लिए दिया गया है, अभी कॉल डिटेल आई नहीं है, तो जैसे साक्ष्य प्राप्त होंगे तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर पूरे मामले में प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? अब देखिए अभी कुछ कहना जो है संभव नहीं है कि जो है जब तक कि कॉल डिटेल्स वगैरह की पूरी एनालिसिस न कर ली जाए। क्या दोस्तों पर जो है हत्या की वजह हो सकती है? देखिए हो सकता है कि दोस्त वगैरह भी हो उसके जो है, पर मैं बताया ना कि जब तक किसी हम लोग ठोस साक्ष्य ना ले लें तब तक जो है कुछ कहना ठीक नहीं है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।